और चलिए रुक करेंगे कुछ खबरों का। यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को अध्यादेश के रूप में लागू करने की तैयारी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिल गई है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून का रूप ले लेगा, प्रदेश में लागू हो जाएगा ये कानून। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया गया है। इसमें पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान किया गया है। सरकार इस कानून को आज से ही लागू करने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज ही अध्यादेश को लागू करने की स्वीकृति दे सकती हैं। सरकार की तैयारी अध्यादेश को आज ही राजपत्र में प्रकाशन कर लागू करने की भी है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को आज के अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंजूरी दी। अब वो कानून कैबिनेट ने बना के महामहिम की ओर भेजा है। बहुत शीघ्र ही इसकी अनुमति मिलेगी और आने वाले दिनों में यह कानून लागू हो जाएगा। विधि अध्यादेश आज 2020 का संशोधन भी आज रखा गया। इसमें जो मिलावट वाले हैं खाद्य पदार्थों में जो मिश्रण करते हैं और खासकर दवाइयों में, और वर्तमान समय में जो प्लाज्मा और कोरोना वैक्सीन की शिकायत आ रही है उसके लिए आजीवन कारावास के सजा को अध्यादेश के अंदर आज पास किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं प्रदाय गारंटी अध्यादेश भी पारित किया, जो विधेयक विधानसभा में नहीं आ पाए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसी तरह से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अध्यादेश को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। जो हमारा बजट था उसको भी आज मंजूरी अध्यादेश के रूप में दी है। मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है।